भाग्यशालियों की इतनी सारी बहनें हैं हमारी, वो सब मिलकर हमको राखी बांधती हैं। मांगा विशेष की शादी कब कर रहे हैं चिराग जी? कुछ मांगा? नहीं, मैंने अभी तक तो मांगा, शादी का तो ये ख्याल ही नहीं है, अब देखते हैं बाद में, अब शादी कब करेगा। मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं करवाएगा? हाँ, शादी भी करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। चिराग पासवान को उनकी बहनें जो हैं वो राखी जो है वो बांधती हुई नजर आ रही हैं, और चिराग पासवान के जो भी परिवार में जो लोग हैं वो राखी का त्यौहार जो है वो इस तरीके से जो है वो मना रहे हैं। देखिए, थाली सजी हुई है और बहना जो है वो भाई को राखी बांधती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान के परिवार में हर साल इसी तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, और चिराग पासवान अपनी सभी बहनों के साथ यहाँ पर अपने घर पर पटना वाले आवास पर जो है वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए, टीका लगाते हुए उसके बाद जो है वो राखी जो है वो बांधी जाएगी। खुशनुमा माहौल में हर साल चिराग पासवान यूं ही जो है वो त्यौहार जो है वो मनाते हैं। चिराग, किस तरीके से मना रहे हैं रक्षाबंधन का त्यौहार? राखी हर साल की तरह पूरा परिवार एक साथ होता है, और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग 3-4 पीढ़ी मिलकर हम लोग एक साथ हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। फुआ हमारी शुरुआत करती हैं, पापा की तस्वीर को, चाचा जी की तस्वीर को राखी बांधती हैं, पापा के बाद फुआ हमें भी राखी बांधती हैं, और उसके बाद हमारी सारी बहनें, सौभाग्यशालियों की इतनी सारी बहनें हैं हमारी, वो सब मिलकर हमको राखी बांधती हैं। उसके बाद ये अगली पीढ़ी, हमारे भांजे भांजियाँ, ये एक दूसरे को सब लोग राखी बांधते हैं। तो हम लोग यहाँ ये लंबे समय तक दिन भर ये त्यौहार चलता है। खूबसूरत त्यौहार है, भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्यौहार है। मैं देशवासियों को इस त्यौहार की जहां एक तरफ शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, वहीं देश के हर एक भाई से आज ये संकल्प लेने का भी मैं आग्रह करूंगा कि देश की हर एक बहन की सुरक्षा का वो वादा करे। देश में जिस तरीके से निर्भया जैसी घटनाएँ घटती हैं, ये कहीं ना कहीं विचलित करती हैं। हर एक व्यक्ति देश की हर एक बहन को उसी दृष्टि से देखिए जिस दृष्टि से वो अपनी बहन को देखता है, तो संभवतः भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटेगी। बहनों को क्या दिया है चिराग? लाया हूँ सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया हूँ। हर अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ, बहनों को, हर किसी की पसंद को भी जानता हूँ, तो हर किसी की पसंद के हिसाब से कुछ ना कुछ लाया हूँ। कुछ मांगा विशेष की शादी कब कर रहे हैं चिराग जी? कुछ मांगा? नहीं, मैंने अभी तक तो मांगा, शादी का तो ये ख्याल ही नहीं है, अब देखते हैं बाद में, अब शादी कब करेगा। मुखिया जो है वो मनाएंगे। अरुण भारती, हम उनसे लास्ट में एक कमेंट लेंगे, ठीक है? थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर है। अरुण भारती जी से थोड़ा सा बात, आप भी कह रहे थे कि 2025 में शायद मुख्यमंत्री, कितने विधायक होंगे, कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, गठबंधन में तय होगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पे मेरी भी आकांक्षा है, और जितनी भी मेरी वाइफ, एक मेरी वाइफ और बाकी जितनी भी हमारे रिलेटिव हैं, उन सब की भी मनोकामना है कि चिराग एक दिन बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हाँ दी, इधर आइएगा, आप भी कह रहे थे मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं करवाएगा? हाँ, शादी भी करवाएंगे। मुख्यमंत्री बनने दीजिए, उसके बाद फिर शादी करवा देंगे 25 के बाद। 25। चलिए, चिराग पासवान जो है पूरी आनंद में, पूरी मस्ती में अपने परिवार के साथ जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।